विक्टर लिसार्ड। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो VROTT पर रिलीज हुई, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज के टोटल 3 सीजन हैं, लेकिन अभी सिर्फ पहले सीजन को हिंदी में रिलीज किया गया है। और इस सीरीज की टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 45 मिनट के बीच की है। और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज के सीजन 1 को देखकर खत्म किया है, और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज के सीजन 1 को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चले अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि सीजन 1 को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे डिटेक्टिव विक्टर की कहानी, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक मर्डर और एक सुसाइड केस को, जो आपस में किसी ना किसी तरह कनेक्टेड हैं। लेकिन विक्टर के लिए यह केस मुश्किल से मुश्किल उस वक्त होता चला जाता है जब उसको एक के बाद एक और मर्डर्स के बारे में भी पता चलता है। तो आखिर कौन है जो लोगों को खौफनाक तरीके से मार रहा है, और क्यों मार रहा है, और क्या विक्टर इस केस इसको सॉल्व कर भी पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये सीरीज एक बुक सीरीज पर बेस्ड है, और वो बुक मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं बता सकता कि इस सीरीज में उस बुक के मटेरियल को कितने अच्छे से फॉलो किया गया है। मैं बस आप लोगों से अपना वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो मेरा इस सीरीज को देखकर रहा है, और मेरी नजर में ये एक डीसेंट क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है। इस सीरीज में वो सारा एलिमेंट मौजूद है जो आपको किसी भी स्टैंडर्ड पुलिस प्रोसीजरल ड्रामा में देखने को मिलता है। जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है इस सीरीज में डिटेक्टिव विक्टर और उसकी पार्टनर का, वो बहुत ही स्टैंडर्ड सा है, उसमें आपको कुछ भी बहुत अलग और इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक कि जो दोनों डिटेक्टिव्स की पर्सनैलिटी है उसमें भी आपको कोई यूनिकनेस देखने को नहीं मिलेगी। दोनों डिटेक्टिव्स की पर्सनैलिटी, उनके बीच की बॉन्डिंग, सब कुछ बहुत ऑर्डिनरी सा है। ऑल्दो जो डिटेक्टिव विक्टर का कैरेक्टर है उसका अपना एक ट्रबल पास्ट है, और उसके बारे में आप लोगों को जैसे जैसे ये शो प्रोग्रेस करता चला जाएगा जानने को मिलता रहेगा, लेकिन वो सब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले एक्सपीरियंस ना किया हुआ हो। अब बात करें मिस्ट्री की, तो इस शो में आपको मल्टी लेयर मिस्ट्री देखने को मिलेगी, और मिस्ट्री ही असल में आपको इस शो से डिसेंटली इंगेज करकर रखेगी। लेकिन ये मिस्ट्री कोई बहुत ही ग्रिपिंग, बहुत ही इंटेंस और थ्रिलिंग और दिमाग को घुमा देने वाली मिस्ट्री नहीं है। लेकिन फिर भी शो के सेकंड हाफ में कहानी शो के फर्स्ट हाफ के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। कहानी में आपको कुछ डिसेंट ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे, और कुछ डिसेंटली इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स भी आपको इस शो में देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, शो का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी, वो सब कुछ डीसेंट है। अब सीजन 1 के वीक पॉइंट्स की बात करें, तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं इस शो के, वो कोई ऐसे नहीं है जो आपने इसी तरह के शोज में पहले ना देखे हुए हो, और मैं इन कैरेक्टर्स में अभी इमोशनली इन्वेस्ट भी नहीं हो पाया। दूसरा, इस सीरीज की 10 एपिसोड्स हैं, जबकि 8 एपिसोड्स में भी कहानी को आराम से खत्म किया जा सकता था। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 7 out of 10, और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि ठीक है, ये कोई बेस्ट क्राइम ड्रामा सीरीज नहीं है, लेकिन एक ऐसा क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा जरूर है जिसको देखकर आप अपना एक अच्छा टाइम पास जरूर कर सकते हैं। बस हाँ, ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस शो में आपको सेक्स सीन देखने को मिलेगा, न्यूडिटी देखने को मिलेगी, ब्लड और वायलेंस भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।